SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार। इस वक्त बता दें कि जैसे जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा खड़ी हो रही है। कभी जल घोटाला तो कभी शराब घोटाला, कभी देखा जाता है यहाँ पर कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी नया घोटाला सामने आ चुका है, दवाइयों को लेकर भी यहाँ घोटाला सामने आया है। न जाने आम आदमी पार्टी ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कितने घोटाले यहाँ पर कर दिए हैं। क्या वाकई में ये घोटाले सही है या फिर जानबूझ कर आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो इस वक्त जेल में बंद है, यहाँ अपनी कह सकते हैं कि जो अपनी जमानत के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 4 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि आप नेता संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया है। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दी थी। अब देखिए, संजय सिंह इतनी आसानी से चुप बैठने वाले नहीं है। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कुछ दिन पहले संजय सिंह ने जेल के अंदर से उपवास रखा था, खाना छोड़ दिया था, पीना छोड़ दिया था और उनकी पत्नी ने जेल के बाहर उपवास रखती वो नजर आई थी अपने पति के साथ। उससे पहले संजय सिंह हजारों बार देखा गया है कि नजा ने कितनी बार यहाँ अपनी याचिका दायर कर चुके हैं जमानत के लिए, लेकिन ईडी और कोर्ट द्वारा उनकी याचिका को बार बार खारिज कर दिया जाता है। संजय सिंह का यहाँ पर मानना है कि उनकी जो जेल और गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है वो ऐसे वैधानिक रूप से हुई है, उसको नहीं माना जा सकता। यहाँ संजय सिंह अब अपनी जमानत के लिए आवाज उठाते नजर आए हैं हाई कोर्ट से। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि एक तरफ तो केजरीवाल फंसे हैं, दूसरी तरफ संजय सिंह जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यहाँ पर संजय सिंह जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 News। धन्यवाद।